रसिया एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में रसिया के लोग सनातन को अपना रहे हैं और वो सनातन संस्कृति से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से सनातनी भी बन रहे हैं और भक्ति में पूरी तरह से लीन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी भी प्रकार का कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो सनातन धर्म के वैल्यूज से प्रभावित होकर खुद ही सनातन को अपना रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं और यह पता करते हैं कि आखिर रसिया के लोग हिंदुइज्म को इतनी तेजी से क्यों अपना रहे हैं। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश मौर्य और आज हम इस वीडियो में इन 5 पॉइंट्स की हेल्प से ये समझने वाले हैं कि आखिर रसिया में हिंदुइज्म इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है। तो पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ रसिया से। तो जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज के टाइम में रसिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। रसिया के लोग पहले क्रिश्चियन नहीं थे, ये लोग स्लेविक रिलीजन को फॉलो करते थे जिनको स्लेविक वेदिज्म या स्लेविक हिंदुइज्म भी कहते हैं। और स्लेविक लोग हिंदू के जैसे ही प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म और लॉ ऑफ कर्मा को भी मानते थे। और ये लोग हिंदुइज्म के जैसे ही अग्नि, जल और पेड़ों की पूजा करते थे और ये लोग स्वास्तिक को भी पवित्र चिन्ह मानते थे। जैसे हमारे सनातन में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक उसी प्रकार से इनके पास भी वेद है जिनको स्लेविक आर्यन वेदा या कुछ लोग इन्हें रशियन वेद भी कहते हैं, जो स्लेविक भाषा में लिखे गए हैं। और स्लेविक वेदिज्म को मानने वाले लोग रसिया, यूक्रेन, पोलैंड, सर्बिया और बुल्गारिया जैसे देशों में बसे हुए हैं और इनका जो डीएनए है वह भी बिल्कुल आर्यों से मैच करता है। और उनकी जो सलावी भाषा है वह भी संस्कृत से काफ़ी मैच करती है। जैसे संस्कृत के मोक्ष को सलावी में मोकोस और स्वर्ग को स्वरोग कहा जाता है और इनका अर्थ भी बिल्कुल सेम ही होता है। इसी तरह से सलावी भाषा के 2000 से ज़्यादा शब्द संस्कृत से बिल्कुल मेल खाते हैं। यही नहीं बल्कि स्लेविक लोगों के भगवान भी सनातन धर्म के भगवान से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसे सनातन में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ठीक उसी प्रकार से स्लेविक रिलीजन में भी त्रिदेव का कंसेप्ट है। और स्लेविक रिलीजन में मृत्यु की देवी को मुरैना कहा गया है, जो कि सनातन धर्म में माँ काली के समान है। और जैसे हमारे सनातन में भगवान ब्रह्मा के 4 सर हैं, ठीक उसी प्रकार से स्लेविक गॉड्स वेतोवित भी हैं जिनके 4 सर हैं। जिस प्रकार सनातन में बिजली और वज्र के देवता इंद्र को माना गया है, ठीक उसी प्रकार से स्लेविक गॉड ऑफ थंडर पेरुन को माना गया है। 10 सेंचुरी से पहले तक रसिया में स्लेविक रिलीजन ही था। फिर ईयर 987 में रशियन किंग व्लादिमीर ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन्होंने रसिया में मास कन्वर्जन भी शुरू करा दिया, जिससे वहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं वह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए और आज के टाइम में रसिया में सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियन ही हैं। साल 2007 में डॉक्टर कोजोविन और उनके टीम को रूस के वोल्गा क्षेत्र के एक गांव सतराया मैना की खुदाई के दौरान एक प्राचीन भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। और जब इस मूर्ति की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी है। इसके बाद से ही वहां के लोगों को यह यकीन हो गया कि उनके पूर्वज भारत से ही आए थे, जिनको वे लोग आर्यन बोलते हैं। इसके बाद सन 2010 में रशियन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने रशिया के साउथ साइबेरिया बॉर्डर के पास 4000 साल पुरानी एक आर्यन सिटी खोज निकाली। उस सिटी में हिंदुइज्म के बहुत सारे सबूत थे, जैसे वहाँ के सिक्कों और बर्तनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था, जो कि सनातन धर्म का एक पवित्र चिन्ह है। इन दो खोजों ने यह प्रूव कर दिया कि रसिया के स्लेविक आर्यन सनातनी ही थे। रसिया में हिंदुइज्म को प्रमोट करने का श्रेय इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी जाता है, जिसको ईयर 1971 में स्वामी प्रभुपाद ने रसिया में इंट्रोड्यूस किया था। इस्कॉन के द्वारा रसिया में हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत की गई और लोगों को श्रीमद् भागवत गीता भी बांटी गई और वहाँ के जो लोग हैं उनको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत गीता से मिलने लगे, जिससे वे लोग सनातन धर्म से काफी प्रभावित हुए और बहुत से लोगों ने सनातन को भी अपना लिया। अगर हम वैल्यूज ऑफ सनातन की बात करें तो इस एक टॉपिक पर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि सनातन ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, सनातन ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और सनातन ही आपको जीवन जीने का एक सही मार्ग दिखाता है और सनातन में ही सभी जीवों के कल्याण की बात की गई है। और यही कारण है कि लोग सनातन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इसको खुशी खुशी भी अपना रहे हैं। अगर हम कुछ भविष्यवाणियों की बात करें तो आज से 500 वर्ष पहले उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका में भारत, रूस और दुनिया के और भी देशों को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं। जैसे कि भविष्य मालिका के अनुसार भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज जो है कई बार नीचे गिरेगा और मंदिर के ऊपर पक्षी भी आकर बैठेगा, ऐसी भविष्यवाणियां की गई थी। और अभी तक ये सभी घटनाएं सच साबित हो चुकी हैं, जिससे भविष्य मालिका के प्रति लोगों का विश्वास काफ़ी गहरा हो गया है। और भविष्य मालिका के अनुसार अमेरिका पानी में डूब जाएगा और रूस एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भविष्य मालिका में भारत और विश्व को लेकर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं, उस आर्टिकल का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसको रीड कर सकते हैं। और वहीं हम बात करें नास्त्रेदमस की, तो नास्त्रेदमस 16 सेंचुरी के एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ चिकित्सक और शिक्षक भी थे। इनका जन्म 1503 में फ्रांस में हुआ था और पिछले 400 वर्षों में इनके द्वारा की गई 800 से ज़्यादा भविष्यवाणियां सच साबित हो गई हैं। इसी कारण इनके भविष्यवाणियों के ऊपर भी लोगों का विश्वास काफ़ी गहरा हो गया है। नास्त्रेदमस के अनुसार भारत के अंदर एक ऐसा हिंदू नेता आएगा जो हिंदू धर्म को पूरे एशिया में फैला देगा और उसमें तेजी से हिंदू धर्म का विस्तार होने लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की भविष्यवाणियां नास्त्रेदमस के द्वारा भी की जा चुकी हैं रूस को लेकर के। तो दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या राय है वो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर से शेयर करें। और यदि इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या कुछ नया जानने को या सीखने को मिला हो
तो इस वीडियो को लाइक और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप इजराइल और पैलेस्टीन के कंफ्लिक्ट को समझना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स हमारे लिए किस प्रकार से स्लो पॉइजन का काम करता है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।